हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक हेडफोन्स की, जो कि एक वायरलेस हेडफोन्स है। थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे। तो आज वी आर गोइंग टू अनबॉक्स गेस व्हाट, वन प्लस के वायरलेस हेडफोन्स बुलेट्स वायरलेस जेड को आज हम अनबॉक्स करेंगे। क्या क्या इसके फीचर्स और कैसा है, लेकिन बैटरी लाइफ कितनी है, वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, बट जब आया था मैंने इसका अनबॉक्सिंग भी कर लिया था। तो आज हमें देखने को मिलेगा इसकी अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू कि ये कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नियर अबाउट 2000 रुपये के आसपास ये प्रोडक्ट मेरे को पड़ा है। तो अब देखते हैं गाइस क्विक अनबॉक्सिंग इस प्रोडक्ट की। सब्सक्राइब करें एडवाइस एडिक्ट चैनल को और हमारी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस बॉक्स की अगर हम बात करें तो इस टाइप का आपको कुछ बॉक्स मिल रहा है। रेड एंड ब्लैक व्हाइट कलर का आपको बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मेंशन है कि 10 मिनट्स चार्ज गिव्स यू 10 आवर्स ऑफ टॉक टाइम, यानी अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हैं तो लगभग आप इसको 10 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। प्लस फुल चार्ज होने के बाद ये 20 घंटे तक चल सकती है। नियर अबाउट आपका पूरा दिन बहुत ईजिली निकालने वाली है और फास्ट चार्जिंग के साथ ये आ रही है। बात करते हैं कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस की, जिसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है। तो पीछे लिखा हुआ है 10 मिनट्स ऑफ चार्ज गिव्स यू 10 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम, दिस मीन्स दैट कि अगर आप इसको 10 मिनट तक चार्ज करेंगे तो लगभग 10 घंटे का म्यूजिक और आप बात कर सकते हैं। लॉन्ग बैटरी लाइफ है, फुल चार्ज में आपको 20 घंटे तक के टाइम देती है लिसनिंग के लिए। मैग्नेटिक कंट्रोल है जो इसके बुलेट से आपस में अटैच हो जाती है ताकि वो आपके नेक से गिरे ना। तो बुलेट्स आपके इसके अंदर दिए गए हैं मैग्नेट्स के। प्लस ये वाटर प्रूफ है, ये आपकी स्वेटिंग और हल्का फुल्का जो पानी होता है स्पोर्ट्स में वर्कआउट करते हैं तो आपको वाटरप्रूफ की यहाँ पे फीचर दिया गया है। प्लस क्विक स्विच है, आप डबल प्रेस करते हैं इसके स्विच को तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाती है। प्लस लो लेटेंट मोड है इसके अंदर, अल्ट्रा लो लेटेंस गेमिंग, मतलब अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो वर्क करता है, किसी एक फैंटिक मोड के अंदर वर्क करता है वन प्लस के फ़ोन्स के अंदर। नीचे बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, तो इसका जो बॉक्स के ऊपर जो प्राइस मेंशन है 2190 लगभग 2190 रुपए की है। और ये मंथ ऑफ ईयर और इंपोर्ट है, अप्रैल में 2020 को ये इंपोर्ट की गई है। तो गाइस अब करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। तो बॉयज बॉक्स में से निकाल के देखते हैं कुछ कैसा आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के कुछ आपको ये मिल रहे हैं, आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब इसको मैं उठा के रख लेता हूँ साइड में और देखता हूँ बॉक्स के अंदर क्या गिवन है। तो ये नीचे इसका बिल है, इसके अंदर आपको मिलेगा। बिल की अगर हम बात करें तो मैंने अमेजन से ऑर्डर किए थे और लगभग ये मेरे को मिले हैं 1999 के मेरे को ये पड़े हैं। और बात करें इसके बॉक्स के अंदर, आपको एक यूज़र गाइड दी गई है, यूज़र मैनुअल है, प्लस एक्सेसरीज के अंदर लिखा हुआ है, यानी मे भी चार्जिंग केबल इसके अंदर होने वाली है। बिल्कुल सही गाइस, इसके अंदर एक चार्जिंग केबल आपको दी गई है, इस टाइप की वन प्लस की चार्जिंग केबल मिलती है। केबल की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी देखने में लग रही है, टिपिकल वन प्लस डिज़ाइन रेड एंड वाइट जो कि आपको वन प्लस के फ़ोन से चार्जर्स में मिलता ही है। और क्या है इसके अंदर गाइस देखते हैं हम। ये आपको बड्स के लिए इसके दिया गया है, इसकी जो ईयरबड्स की जो इसकी ग्रिप है वो है दी गई है, साथ में चार दी गई है, यानी दो पेयर्स हैं टोटल। अगर आप उनके कान थोड़े बड़े हैं तो उसके लिए मीडियम साइज़ और एक लार्ज साइज़ के दिए गए हैं, आप उसको अपने ईयर्स की अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड जो आते हैं वो मीडियम साइज़ के मिलते हैं। प्लस और इसके अंदर क्या दिया गया है गाइस, लेट मी चेक इट आउट। बस और एक यूज़र गाइड दी गई है जो कि इसके अंदर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक इसका रेड केबल क्लब का कार्ड आपको मिल रहा है एंड एक यूज़र मैनुअल हाउ टू यूज़ इसको करना है वो दिया गया है। ये पूरी बुक है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। सो गाइस अभी इसके कंटेंट को साइड करते हैं और बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की। तो ये हमारी हेडफोन्स है, काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है, फिटिंग भी बहुत ही अच्छे से की गई है। अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से, आप देख पाएंगे जो इसका मटेरियल बहुत ही प्रीमियम देखने में लग रहा है, काफ़ी अच्छी लग रही है और पैकेजिंग भी बहुत ही प्यारी दी गई है। पीछे भी डिज़ाइन सेम इसी हेडफोन्स का दिया गया है। इसको रखते हैं साइड में और बात करते हैं मेन इस हेडफोन्स की। सो गाइस ऐसी कुछ आपको हेडफोन देखने के लिए मिल रही है, जिसमें यहाँ पे एक आपको वन प्लस की बैजिंग दी गई है, प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है इसका जो कनेक्टिंग स्विच है, यहाँ से आप इसको डबल टैप करके कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऑन करेंगे तो एक लाइट जलती है रेड कलर की, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। प्लस बात करें इस साइड में, तो इस साइड में आपको कोई फीचर बटन्स नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पे ये इसके जो डॉट्स की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और प्रीमियम क्वालिटी के फील कर रहे हैं। चार्जिंग सपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ से आपके इसके अंदर सी टाइप केबल जो कि आपको दी गई थी इस टाइप की, ये लगती है, ये केबल इसके अंदर लगेगी, यहाँ पर प्लग इन हो जाएगी, यहाँ से आप इसको चार्ज कर पाएंगे।
बात करें इसके कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, प्लस इससे आप वॉइस रिकॉग्निशन भी चला सकते हैं, प्लस आप यहाँ से अपने गूगल असिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे अप एंड डाउन से आप वॉल्यूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको गाना प्ले करना है अपने MP3 प्लेयर में, तो जस्ट इसको प्रेस करके आप कर सकते हैं। तो गाइस अभी इसको देखेंगे कनेक्ट करके, इसकी कनेक्टिविटी कैसी है और कितनी ईजी कनेक्टिविटी दे रहा है, तो शुरू करते हैं गाइस। इस बात करें अगर इसकी कनेक्टिविटी की, तो कनेक्ट करना भी इसको बहुत इजी है। यहाँ पे इसका बटन दिया गया है, इसको आप जस्ट प्रेस करके रखेंगे तो इसमें एक लाइट जलती है, लाइट एक इंडिकेट करती है ब्लू कलर की कि आपके जो कनेक्टिंग फेज के अंदर आ गया है, पेयरिंग फेज के अंदर आ गया है। तो मैं इसको दबा के प्रेस करके रखता हूँ, लाइट जल जाएगी। दोस्तों नहीं जल रही है तो इसका मतलब आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह लाइक करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं इसलिए ये लाइट भी नहीं जल रही है। सो गाइस ये अभी ऑन हो चुकी है, ये ब्लू लाइट इंडिकेट कर रही है कि आपको पेयरिंग करना है। तो मैंने इस फ़ोन में कनेक्ट किया हुआ है, ये मैं इस फ़ोन में कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि इस फ़ोन की वीडियो आप देख चुके होंगे, Redmi Note 9 Pro है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, और अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं, या हमारी प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं। मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ, तो मैंने अनलॉक कर लिया है। तो गाइस अभी यहाँ से मैं जाता हूँ सेटिंग में, इसकी सेटिंग यहाँ पर है। गाइस मैंने अपनी चैनल का वॉलपेपर लगा रखा है, तो अभी जाते हैं ब्लूटूथ में। तो यहाँ पे आ गया है, सर्च करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऊपर आ गया है, OnePlus Bullet Z। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे कनेक्टेड हो गई है, बैटरी 100% दिखा रही है और एक्टिव दिखा रहा है। अभी कनेक्ट करने के बाद इसको मैं जिस तक गले में डालता हूँ, मैं इसको डाले तो अपने गले में, तो गले में डालने के बाद काफ़ी लाइट फील हुई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही हैवी है, बहुत ही हल्की सी है। क्योंकि बेसिकली इसके अंदर क्या जो ये इसकी जो रबड़ क्वालिटी है बहुत ही अच्छी दी गई है, तो ये गले में चुपती नहीं। अगर मैं इसको डाल के लेट भी जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि पता भी नहीं लगता कि मैंने डाल दी जगह ही। प्लस इसमें मैगनेट्स दिए गए हैं बुलेट्स में इसके, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जॉइन हो जाते हैं। तो आप अगर रनिंग वगैरह कर रहे हैं या जिमिंग वगैरह कर रहे हैं तो भी आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट है। अभी देखते हैं इसके बड्स को ईयर्स में लगा कर कैसी क्वालिटी है, तो लाइट वेट है, काफ़ी अच्छी और डिसेंट क्वालिटी इसके अंदर मेरे को लग रही है। जैसे अभी देखते हैं एक सॉन्ग सुन के, और मैं अपने चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग। अगर आप नहीं गया, आप यूट्यूब पे एडवाइस एडिक्ट लिखते हैं तो मेरा चैनल आएगा, आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, प्लस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आते रहे। रिसेंटली इस फ़ोन की मैंने वीडियो अपलोड की थी, ये Redmi Note 9 Pro आप देख सकते हैं, यही फ़ोन है जिसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, वीडियो सबसे ऊपर आ रही है। प्लस मैं सॉन्ग्स प्ले कर लेता हूँ, कोई भी एक अच्छा सा पंजाबी सॉन्ग मैं प्ले कर लेता हूँ, लॉन्ग लाइची कर लेते हैं, 1 बिलियन व्यूज आ चुके हैं एक, तो करते हैं गाइस। काफ़ी अच्छा लग रहा है, साउंड उतना लाउड नहीं है, डिसेंट साउंड है। अगर आप एक बहुत ही हाई क्वालिटी या बहुत ही हाई साउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा, लो साउंड है इसके अंदर, ज़्यादा हाई फाई साउंड नहीं दिया गया है। गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने गले में डाली हुई है, डाल के मैं घूम रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और बहुत ही हल्की भी है और ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको जिमिंग वगैरह भी करनी है तो आप उसमें सीधा इसको लगा के कान में वर्कआउट भी कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ, मैं दूसरी कंपनी की यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी सिस्टर ने मंगाई एक्चुअली, तो मैं इसको भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अनदर वन। सो बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी है ये बड्स, आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके खरीद सकते हैं। और भी रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ।